स्वागत आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल द इंडियन स्टैक पर। मेरा नाम हेमंत यादव है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे बिज़नेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ जिसके लिए आप मात्र 100 रुपये का लाइसेंस लेकर के आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं एंड हर महीने आप इस बिज़नेस से 2,40,000 रुपये कम से कम कमा सकते हैं। दोस्तों, इस बिज़नेस के अंदर आपको किसी भी प्रकार का कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको पूरी डिटेल्स इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। अगर आप लोग एक यूनिक बिज़नेस आइडिया की तलाश कर रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार एंड तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों ने एक कहावत जरूर सुनी होगी कि आम के आम और गुठलियों के दाम। दोस्तों, ये जो कहावत है ये इस बिजनेस के ऊपर बिल्कुल फिट बैठती है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। मात्र 100 रुपये का लाइसेंस लेकर के आप इस बिजनेस को सिर्फ और सिर्फ अपने घर से शुरू कर सकते हैं एंड दोस्तों, आप इस बिजनेस से अच्छी खासी इनकम अपने घर कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि जो बिजनेस आइडिया मैं आप लोगों को अभी प्रेजेंट टाइम में बताने वाला हूं, यह एक ऐसा बिजनेस है जो 100 साल से भी ज्यादा चलने वाला है और अगर आप इसका बिजनेस भी नहीं करेंगे तो भी आपके लिए यह वीडियो बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल हो सकता है। आप लोगों ने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि इस बिजनेस से इतनी ज्यादा भी कमाई हो सकती है, लेकिन अगर आपको मेरी बातों पे यकीन है तो इस वीडियो को आगे तक देखिए। अगर आपको हमारी बातों पे यकीन नहीं है तो आप अभी इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हैं। अगर किसी बंदे को मेरी बातें किसी भी प्रकार से बोरिंग लगती है कि नहीं यार, तुम तो सिर्फ बकवास ज्यादा करते हो और काम की बात कम बताते हो, तो वो लोग भी अभी स्किप करके जा सकते हैं। हमें ऐसे लोगों की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है क्योंकि किसी भी बिजनेस को बताने से पहले उसकी जानकारी हमें लेनी जरूरी होती है। वही जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसीजर बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इसके लिए FSSAI का लाइसेंस लेने की जरूरत है जिसे हम फूड लाइसेंस कहते हैं। दोस्तों, इसका जो रजिस्ट्रेशन है मात्र 100 रुपए में आप अपने मोबाइल फोन से कर सकते हैं। एक सप्ताह के अंदर आपको इसका 14 डिजिट का आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है FSSAI का। तो आपको इसके अंदर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको अपना रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना है। गूगल के ऊपर जाकर के FSSAI की वेबसाइट पर जाकर सिंपली रजिस्ट्रेशन करके 7 दिन के अंदर आपके पास में आपका 14 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाने के बाद में करीबन 30 दिन के अंदर अंदर आपके पास में इसकी इन्फेक्शन वाली टीम आती है। टीम आती है तो आपका सर्वे करके जाती है, पूरा इंस्पेक्शन करती है, देखती है कि आप किस इसका प्रोडक्ट बना रहे हैं, बोले इस प्रोडक्ट के अंदर किसी प्रकार की मिलावट वगैरह तो नहीं है, ये किसी प्रकार से कोई नुकसानदायक तो नहीं है। तो दोस्तों, हम ऐसा कोई आइडिया नहीं देते हैं जिससे किसी भी शरीर के ऊपर किसी भी प्रकार का नुकसान हो। तो आपको इसके अंदर घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप एक नेचुरल तरीके से बनाइए, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। 100 रुपए के खर्चे में ये समझ लीजिए कि आप इतना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं कि आपने कभी भी ऐसा नहीं सोचा होगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं एक छोटे से प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है लेमन। दोस्तों, नींबू का नाम आपने सुना होगा लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसका जो वेस्ट है वो वेस्ट ही आपको कितने ज्यादा पैसे दे सकता है। दोस्तों, ये एक हकीकत है। आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपका मन करे तो कमेंट में जो बोलना है बोलिए, लेकिन आप मेरी पूरी बातों को एक बार प्लीज आपसे हाथ जोड़कर विनती है, वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद में आपको जो भी कहना है आप कह सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो नींबू है, ये जो नींबू का छिलका जो होता है ना, हम इसका बिजनेस करेंगे। मैंने आपको पहले बताया आम के आम और गुठलियों के दाम। तो इसका छिलका है, इसका जो पील पाउडर, लेमन पील पाउडर, जो कि मार्केट के अंदर 1600 रुपए पर केजी के हिसाब से बिकता है, और इसका जो जूस होता है उसे आप अपने तरीके से सेल कर सकते हैं। मतलब आप इसका जूस अलग से निकाल के रख सकते हैं। सिंपली आपको जो ये छिलका, जो छिलका होता है, इसको काटने के बाद में, नींबू को काटने के बाद में आपको सिंपली इसे सुखा देना है। सुखाने के बाद में अब ये पूरी तरह से सूख जाता है तो आपको इसे ग्राइंड करना है मशीन के अंदर, जो मिक्सी टाइप में होती है, ग्राइंडर होता है, उसके अंदर आप इसे मिक्सी में पीस कर इसका पाउडर बना सकते हैं। उसको छान करके एक छलनी की सहायता से आप उसकी पैकिंग कर सकते हैं। सिंपली आपको इतना सा काम करने की जरूरत है, इसके अलावा आपको इसके अंदर कोई भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो हो गया हमारा जो नींबू है, इसके छिलके का पाउडर तैयार करके हम इसे मार्केट में सेल करें। वो कैसे सेल करेंगे ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। दूसरा, इसका जो जूस होता है उसका उपयोग भी आप कर सकते हैं। आप इसे मार्केट में
किसी भी प्रकार से जूस बना करके मार्केट में सेल कर सकते हैं, अपने तरीके से सेल कर सकते हैं, या फिर इसकी शिकंजी बनाकर मार्केट में आप सेल कर सकते हैं। ये सारी चीजें डिपेंड आपके ऊपर करती है। मैं बात करूं, अगर आप इसका जूस नहीं बनाना चाहते तो इसके छिलके आपको कहां से उपलब्ध हो सकते हैं? देखिए दोस्तों, जो भी जूस की दुकानें होती हैं, जो अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो शिकंजे वगैरह की काफी सारी आपको दुकानें देखने को मिल जाएगी, तो वहां से आप इसके छिलके हैं उनको एकत्रित कर सकते हैं। और इसकी जो नींबू के जो रेट है मार्केट में, इतने भी ज्यादा नहीं है, तो आप आसानी से इसके छिलके हैं वो वहां से खरीद सकते हैं, बिल्कुल फ्री में आपको वहां से मिल जाते हैं, क्योंकि उनके लिए तो पूरी तरह से वेस्टेज ही होता है। दोस्तों इसका जो छिलका होता है, इस छिलके के नींबू का जो जूस होता है उससे कई ज्यादा बेनिफिट्स होते हैं। आप गूगल पे चेक करेंगे आपको पता चल जाएगा, इसके जो छिलके का पाउडर होता है उससे चाय भी बनाई जाती है, उसे यूज भी किया जाता है, खाया भी जाता है, काफी चीजों के अंदर यूज किया जाता है, स्किन वगैरह के ऊपर इसका यूज जो होता है, हर चीज के अंदर आपको इसका जो छिलके होते हैं उसका पाउडर यूज देखने को मिल जाता है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो रहा है हमारी बातों पे, तो गूगल पे जाकर के विजिट करिए, या फिर यूट्यूब पे विजिट करिए, या फिर अपने किसी जानकार बंदे से पूछकर भी आप उनसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा बिजनेस की हम कैसे इस बिजनेस को, इसका पाउडर हम कैसे बना सकते हैं। अब हम बात करें कि मार्केट में हम इसे कैसे सेल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट में करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है हम लोगों के लिए, क्योंकि हम अभी फ्रेशर है, हम एक नया बिजनेस को सेटअप कर रहे हैं, तो हमें इसके लिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो उस प्रॉब्लम का सामना हमें करना ही पड़ेगा। अब कोई भी बिजनेस करे, हर बिजनेस के अंदर आपके सामने छोटी मोटी प्रॉब्लम जरूर आएगी, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में उन प्रॉब्लम से निकल जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। पहली बात तो ये है कि आपको इसका छिलका है वो बिल्कुल मुफ्त में मिल रहा है, आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है। सेकंड चीज, आपको 100 रुपए के लाइसेंस पे आपका काम हो रहा है, 1 साल तक आपका लाइसेंस चलेगा, उसके बाद में आप इसे रिन्यू करवा सकते हैं। जीएसटी नंबर की अगर मैं बात करूं, तो अगर आपका जो टर्न ओवर है 40 लाख रुपए के करीब का पहुंच जाता है, तो आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं, उससे पहले लेने की आपको कोई भी जरूरत नहीं है। अब जो आपने लेमन पील पाउडर बनाया है उसकी आपको सिंपली पैकेजिंग करनी है। पैकेजिंग आप इसकी 100 ग्राम 200 ग्राम 300 ग्राम आधा केजी 1 केजी इस तरीके से आप सिंपली इसके पैकेजिंग कर सकते हैं। पैकेजिंग करने के बाद में हम इसे मार्केट में कैसे सेल करेंगे? देखिए दोस्तों, इसके लिए आप एक बंदा भी रख सकते हैं, या फिर आप ये काम खुद कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है कि मार्केट में हम कैसे सेल करेंगे। आपको मैं 2 से 3 ऐसे तरीके बताऊंगा जिन तरीके से आप इस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल कर सकते हैं। पहला तरीका तो हमारा ये हो जाता है कि आप इसका पाउडर बना करके इसकी पैकेजिंग करने के बाद अपना जो FSSAI का लाइसेंस वगैरह है सारी चीजें आप उसके ऊपर डालेंगे, अपने ब्रांड का नाम भी उसके ऊपर डालेंगे। उसके बाद में आप इसे Amazon या Flipkart या किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप इसे सेल कर सकते हैं। पहला ऑप्शन हमारे पास में ये आ जाता है। सेकेंड ऑप्शन हमारा ये होता है कि हम हमारा जो लोकल एरिया है, नियर बाई मार्केट है आपका, अगर आप एक गांव से बिलोंग करते हैं तो आपके पास में एक सब डिस्ट्रिक्ट होता है, तो वहां पर आप बात कर सकते हैं, लोगों से पता कर सकते हैं कि कहां पर ही चीजें मिलती है, जो चीज जहां पर मिलती है उन्हीं से आप बात करके उन्हीं को होलसेल रेट में आप प्रोवाइड करवा सकते हैं। अगर मार्केट में ये प्रोडक्ट रिटेलिंग में 1600 रुपए पर केजी के हिसाब से बिक रहा है, तो सोच लीजिए अगर आप इसे होलसेल रेट के अंदर 500 रुपए पर केजी भी सेल करते हैं, तो आपके लिए कोई नुकसान वाली बात नहीं है इसके अंदर कि आपको किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, क्योंकि कोई चीज बिल्कुल मुफ्त में बन रही है और वो 500 रुपए में बिक रही है, तो आपको किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस को अपने लोकल एरिया से भी स्टार्ट कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, शहर जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे अपन में लोकल एरिया के अंदर पता करेंगे कि कौन बायर्स है जो हमसे खरीद सकते हैं, क्योंकि जो बंदा इस प्रोडक्ट को बेचता होगा तो खरीदता भी होगा, तो जो बेचता है वो रिटेलिंग में बेचता है और आप मुझे होलसेल रेट में वहां पर दे सकते हैं। तीसरा ऑप्शन दोस्तों हमारे पास में ये आता है कि इस प्रोडक्ट का जो यूज होता है वो शहरों के अंदर काफी ज्यादा मात्रा में होता है, शहरों के अंदर मोटापे से भी काफी लोग ग्रसित होते हैं, तो उनको इन चीजों की जरूरत बहुत ही ज्यादा पड़ती है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग नींबू का जो नींबू मार्केट से खरीदेंगे उसके बाद में उसके छिलके को सुखाएंगे उसका पाउडर बनाएंगे, इतनी मेहनत कोई भी इंसान नहीं करता है,
यह आप भी समझ सकते हैं, मैं भी समझ सकता हूं। अगर आपको कोई इस प्रकार का कोई नुस्खा बताता है तो आप खुद भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कोई ये कहे कि मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा, आप इसे मुझे दे दीजिए, तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो यही चीज है दोस्तों, यही चाहिए फ्री में मिलता हो, लेकिन फिर भी लोग है ना इसे बना नहीं सकते हैं, वो सिर्फ मार्केट से ही खरीदना पसंद करते हैं। तो सिंपली आप इसे मतलब कि अपने जो डिस्ट्रिक्ट हो गया या फिर अपने स्टेट के अंदर आपके फ्रेंड सर्किल होंगे, वहां पे उनसे बात करके वहां पे एक बार आप विजिट कर सकते हैं शहर के अंदर कि कहाँ कहाँ पर आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। आप गूगल पे सर्च करके वहां पे जाइए, उनसे पता करिए कि सर आप जो ये प्रोडक्ट लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, हम आपको इनसे काफी ज्यादा सस्ते के अंदर ही प्रोवाइड करा सकते हैं और एक नेचुरल प्रोडक्ट हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग उनको ये प्रोडक्ट सेल करके अच्छी खासी कमाई सिर्फ और सिर्फ